Everyone, this is me, Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to talk about Unit Six, which is a poem, and is "Mother to Son." Let's go through a brief history of the poet James Mercer Langston Hughes. February 1st, 1902, May 22nd, 1967, was an American poet, social activist novelist playwright and columnist hughes is best known as a leader of the harlem renaissance his work first published in nineteen twenty one continued to enrich and inspire decades later some of the famous poems of langston hughes are dreams montage of a dream deferred life is fine still here the negro speaks of rivers poor boy blues i too the weary blues etc before moving on to the explanation of the poem let's talk about difficult word meanings which we will find in lines 1 to 7 So first difficult word is tax tax ka matlab hota hai a small sharp broad headed nail jisko hum urdu mein keel kehte hai. second is splinters it means a small sharp broken piece of wood glass plastic or similar material yani lakri ya kaanch ke tukre थर्ड इज टर्न अप टन अप का मीनिंग होता है टू वायलेंटली रिप और पुल सम और समथिंग इन टू पीसेज यानी बुरे तरीके से ख़राब होना या फटा होना फोर्थ इज बेयर बेर का मीनिंग होता है अनकवर्ड या उर्दू में इसे कहेंगे ढका हुआ ना होना let's move on to the explanation of these lines these lines to explain they are from 1 to 7 so before moving on to the explanation of the poem you have to give the reference line so reference line up. these lines are taken from the poem poem kanama inverted commas which is mother to son written by the poet poet kanambi you will write in inverted commas which is langston hughes इस पोइम में भी एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ किया गया है मेटाफर क्या होता है कि आप किसी भी दो तो अनलाइक चीज़ों का कंपैरिजन ड्रॉ करते हो उनको कंपेयर करते हो किसी एक क्वालिटी की बेसिस पे अब इस पोइम में मदर की लाइफ को एक स्टेयर केस से कंपेयर किया गया है स्टेयर केस क्या होता है अ बंच ऑफ स्टेयर्स उसको स्टेयर केस कहते हैं और एक कैसा स्टेयर केस जो कि के स्मूथ नहीं है क्लियर नहीं है प्रेशस नहीं है इट्स नॉट अ क्रिस्टल स्टे केस इट इज़ वेरी शेकी इट इज़ वेरी अनक्लेयर और बहुत ज़्यादा प्रेशस ना होने की वजह से उसकी कोई वर्थ नहीं है अब मदर की लाइफ उससे कंपेयर की जा रही है यानी कि जो भी स्टेप वो स्टेयर केस पर लेती है एक्चुअली वो अपनी लाइफ का स्टेप ले रही है फिर वो कहती है कि ये जो स्टेयर केस है ये स्मूथ नहीं है इसके ऊपर बहुत सारे थॉर्न्स हैं कांटे हैं कीले हैं और वुड या ग्लास के छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं जो कि उसके पैरों में चुपते हैं लेकिन वो फिर भी मूव ऑन करती है वो चलती रहती है स्टेयर्स पर रुकती नहीं है और अगर वो लड़खड़ा के गिर भी जाएगी तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि जो स्टेयर केस के नीचे फ्लोर है इट इज अनकवर्ड इट इज बेयर वो किसी भी कारपेट से ढका हुआ नहीं है वो गिरेगी तो उसे चोट आएगी या वो जान से भी जा सकती है एंड डोंट फॉरगेट दिस होल एक्सप्लेनेशन इज मेटाफोरिकल असल में ऐसा कुछ नहीं है सो so, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वह अपनी लाइफ के बारे अपने सन को समझा रही है कि मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ डिफिकल्टीज है स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स है उसको कोई भी चीज़ इतनी कन्वीनियनटली ईज़िली नहीं मिल रही है उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती है कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए वो अपने बेटे को ये चीज़ें क्यों बता रही है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटे का फेट भी सेम ऐसा ही होने वाला है एंड इन दिस पोएम हिडन वर्ड्स में रेसिज्म की बात की जा रही है रेसिज्म क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट करना इनवालिटी रखना किसकी बेसिस पे रंग की बेसिस पे तो यूरोपियन एरियाज़ में या वेस्टर्न साइड पे जो ब्लैक पीपल होते थे उनके साथ इनक्वालिटी रखी जाती थी उनको सेम राइट्स नहीं दिए जाते थे जो कि वाइट पीपल को दिए जाते थे इसकी वजह से उनको स्लेवरी में डाला जाता था और वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते थे अब जब जो सन है वो मदर का बेटा है ही इज़ ऑल्सो ब्लैक सो शी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रक्टिंग हर कि तुम्हें भी सेम हार्डशिप्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में सो वॉट यू कैन डू इज़ योर नॉट सपोज टू गिव अप यू शुड बी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ईच एंड एवरी डिफ़िकल्टी ऑफ लाइफ थैंक यू